बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अभी हम बाहर आए हैं चारा लेने के लिए, और ये देखें जी अवैस यहाँ से चारा काट रहा है, और इसे जा कोई नहीं है चारे काटने की। मैंने ही काटा है, ये जो काटा है। और ये सामने अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, और ये वाइट वाले फूल हैं, इन्हें मूंगरे लगे हुए हैं, और इधर सब्जियां लगी हुई हैं काफ़ी। इन्होंने यहाँ पे सब्जियां लगाई हुई हैं, और ये देखें ये पत्ते कितने प्यारे हैं, ये साग में डालते हैं, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। और ये सामने अमरूद लगे हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी अमरूद हैं। इस तरह ऊपर से पौधे को पकड़ने हैं, तो पौधे को पकड़ के नीचे से इस तरह रात्रि चलाते जाना है। तो ये पहले मुझे भी नहीं थी जांच, खुद ही जांच आ गई है। यहाँ से चारा काट कर फिर हम बांस लेने जाएंगे जंगल में, और जंगल के ये पीछे ही हमारे जंगल के पीछे जंगल है, और अभी हम यहाँ से काट के चलते हैं जी। हमने चारा काट लिया है जो कि इधर पड़ा है, और आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो पसीना आ गया है, और अभी घर जा के डालते हैं बंटी कैंडी को चारा। चारा हम घर लेके आ गए हैं, और पौधों को पानी लगाया आज। और ये बंटी को कैंडी को चारा डाल दिया, खा रहे हैं। और ये देखें जी इधर डॉग्स बैठे, ये देखें। और अभी हम पहले सफाई कर लेते हैं, और ये देखें जी बंटी कैंडी के रूम में कितना कचरा फैला हुआ है। तीन चार दिन हो गए हैं यहाँ की सफाई नहीं कर पाया, तो यहाँ की अभी पहले सफाई कर लेते हैं, देखें कितना कचरा है, जिसकी सफाई करके फिर आपको मिलते हैं। बाहर निकालनी पड़ेगी, ये चीज़ें पहले हमें बाहर निकालनी पड़ेंगी, बेंच वगैरह। ये भी है जी, और इधर ये डब्बा पड़ा है, ये भी बाहर निकाल लेते हैं। इसमें हम पिज़्ज़ास लेके आए थे ये डब्बे में, और एक ये टोकरी है, इसमें हम चारा डाल देते हैं रात के टाइम। और क्या रह गया है, और कोई चीज़ नहीं है। और ये पानी वाली कैन है, ये हमने अपने पिजन्स के आगे रखनी है, और इसे यहाँ पे रखते हैं, बाद में धो के रखेंगे। हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमने पेट रूम में लेके जाना है, यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ से निकालते हैं हम बाहर। केज बाहर रख दिया धूप में, ताकि इसे धूप लग जाए और ये खुश्क हो जाए, क्योंकि अंदर पड़ा हुआ था काफ़ी देर से। ऐसे सफाई हो जाएगी, ये देखे ना, ये सारी यहाँ की चीज़ें बाहर निकाल दी हैं, और यहाँ पे अभी सफाई कर देते हैं। सारा नीचे जम गया है, और इसे उतारना बड़ा मुश्किल है, और ये अब वाइपर की मदद से ही उतरेगा, ये देखे ना इस तरह। बड़ा मुश्किल है ये, काफ़ी हद तक सफाई हो गई है, और कचरा यहाँ पे जमा कर दिया है, और अभी ये नीचे मिट्टी जमा हुई है, इसको अब उतारना है, क्योंकि ये नीचे मिट्टी जम गई है। अभी मैंने ये बिग लाइट चलाई है, ताकि रोशनी यहाँ पे हो सके, और अब ये मैं एक कांडी लेके आया हूँ, और ये कही है, इसे देखते हैं हमारा काम आसानी से हो पाता है या नहीं। पहले ये ट्राई करते हैं, इससे उतर जाए मिट्टी, ये देखना कितनी लेयर नीचे जम गई हैं ये, इतनी मिट्टी जम गई है यहाँ पर, ये देखें नीचे से ईंटें नज़र आ रही हैं। इस तरह सफाई करनी है आज, और अब ये दूसरा तरीका देखते हैं कि ये आसान है
इससे जल्दी होता है काम या उससे, ये सही है काम, इससे हमारा काम ज़रा जल्दी हो जाएगा। ये लें जी इतनी मिट्टी उतार सका हम नीचे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जम गई है, ये अब पानी से ही उतरनी है। चलें जितनी उतर गई है इतनी की इकट्ठी करते हैं इसे, बड़ा ज़ोर लगता है। चलें ये देखें नीचे से क्या क्या निकल रहा है, गत्ता भी है, और ये सारी अब इकट्ठी करते हैं मिट्टी एक जगह। ये जी सफाई का काम हो गया मुकम्मल, और ये नीचे से ईंटें निकाल दी हैं हमने, सफाई इतनी की है, ये देखें बड़ी मेहनत के साथ सफाई की गई है। ये नीचे से ईंटें साफ दिखना शुरू हो गई हैं, और अब चार दिन गुजर जाएंगे हमारे। और अभी जी हम जंगल में जा रहे हैं, और कुल्हाड़ी पकड़ ली है हमने, चले निकलते हैं अभी। और अभी हम अड्डे पे जाकर वहाँ से पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवा कर फिर हमने वापस जाना है जंगल में। हमारा दोस्त पैदल ही जा रहा है, इसे बिठा लेते हैं बाइक पर। और ये जी यहाँ से हम फ्रेश पेट्रोल डलवा लेते हैं, डाल दें जी फ्रेश पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं जंगल में। और अब चलते हैं जंगल की तरफ जी। दोस्तों हमने ये बम्बू और स्टिक सारी इकट्ठी कर ली हैं, और ये अब काफ़ी होंगी हमारे शेड के लिए, और लेके ये हम घर चलते हैं। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ ये उतारी गई हैं, और अभी हम चलते हैं घर जी। ये स्टिक सब घर पहुंच गई हैं, और कुछ बम्बू हमने अंदर रख दिए हैं, ये हम रात को लगाएंगे। ये देखें जी ये पड़े हैं, और बकाया अभी बाहर ही पड़े हैं धूप में, और इनको हम रात को लगाएंगे। इससे हमारी छत भी डाल जाएगी, और ये आगे भी लग जाएंगे, और काफ़ी हद तक हमारा शेड मुकम्मल हो जाएगा जी। दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, शुक्रिया। और डॉग्स का ये गोश्त कुछ बच गया था, ये डाल देते हैं इन्हें। और ये बच्चों ने बड़ी हेल्प कराई है हमारी, ये साथ स्टिक्स लेके आए हैं वहाँ से।